आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई स्टाइल गोभी मटर आलू की सब्जी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बनाना भी इसको बहुत आसान है, लेकिन स्वाद इसका लाजवाब है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम। गोभी मटर आलू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। गोभी को अच्छे से धोकर, काटकर एंड अगेन धोने के बाद एक कपड़े पर निकालकर इसका सारा पानी सुखा लिया है। उसके बाद मैंने गोभी को ऐड किया है कढ़ाई में, जब तेल बहुत अच्छे से गरम था। गरम गरम तेल में ही आपको गोभी को फ्राई करना है, अदरवाइज़ गोभी तेल पी सकती है। इसलिए हाई फ्लेम पर आप लगभग 5 से 10 मिनट तक अलट पलट करते हुए गोभी को फ्राई कर लीजिए। जैसे ही गोभी का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए, तब हम इस गोभी को निकाल कर अलग रख लेंगे। आपको इसे किसी भी टिश्यू पेपर पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब्ज़ी बनाने में काम में आ जाएगा। इसके बाद वही सेम प्रोसीजर मैंने आलू के साथ किया है। धोकर, छीलकर, काटकर एक कपड़े पर निकालकर इसका सारा पानी सुखा लिया है एंड उसी सेम ऑयल में मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया है। दोनों ही चीज़ें आपको 70% तक कुक करनी है, 30% इसको कच्चा रहने देना है, ताकि जब हम फाइनल सब्ज़ी बनाएं उसके अंदर ये गोभी और आलू पक जाए। अब उसी सेम कढ़ाई में बाकी का तेल मैंने निकाल दिया है और लगभग 2 चम्मच तेल हम डालेंगे, ताकि हम सारे मसाले भून सकें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टी स्पून ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा पक जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। सबसे पहले हम लहसुन नहीं ऐड करेंगे, लहसुन को हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आए। अगर आपको लहसुन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है, तो आप लहसुन को पहले ऐड कीजिए एंड देन प्याज को डालकर फ्राई कर लीजिए। अभी आप देख सकते हो कि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड किया है नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून खड़ा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून सब्ज़ी मसाला। आप ये सारे मसाले ऐड करिए और इसको मिक्स कर लीजिए, अच्छे से पका लीजिए। जब सभी मसाले अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मेरे पास फ्रोज़न मटर थी, तो मैंने वही ऐड की हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर नहीं है, तो आप ताजी मटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मटर भी अच्छे से फ्राई हो गई है, मसालों का सारा फ्लेवर आ गया है। तो इसी स्टेज पर आप इसमें गोभी और आलू, जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, इसको भी ऐड कर दीजिए। अभी भी आप देख सकते हो कि सब्ज़ी कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है। तो बस इसी स्टेज पर हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है स्वाद के अनुसार, क्योंकि जो पहले नमक डाला था वो केवल प्याज और मटर के लिए था। अभी जो हमने इसके अंदर नमक डाला है, वो गोभी और आलू के लिए है। सभी चीज़ों को लगभग 10 से 15 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए और उसके बाद आधा ग्लास पानी डालकर ढककर लो फ्लेम पर आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। पानी डालकर जब हम इसको 15 से 20 मिनट पकाते हैं, तो गोभी, आलू और मटर बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। अगर आपने ताजी मटर यूज़ की है, तो पहले उसको बॉयल करने के बाद ही इसमें ऐड कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोभी, मटर, आलू बनकर हैं बिल्कुल तैयार। एक बार इसको अलट पलट और कर लेते हैं एंड नाउ लुक एट दिस, लग रहे हैं ना बिल्कुल वही जैसे हलवाई वाले बनते हैं। इसका स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही है। आप इसको चाहे तो पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं गोभी, मटर, आलू को, जो खाने में लाजवाब है। जब आप फ्लेम ऑफ कर दें, उस स्टेज पर आप इसमें आधा नींबू भी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास नींबू नहीं है, तो अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपके पास हरा धनिया है, देन प्लीज़ हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। मेरे पास इस टाइम हरा धनिया नहीं था, इसलिए मैंने हरा धनिया से इसको गार्निश नहीं किया है। सब्ज़ी को अगेन हमने मिक्स कर लिया है, ताकि नींबू अच्छे से मिक्स हो जाए और अब आप इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी आज की ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगी, देन आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।